जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं एग्जिट एग्जाम, जो आपका एग्जिट एग्जाम होने वाला है उसके हम जो फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 4, यानी हम चैप्टर नंबर 4 यूनिट ऑपरेशन, हम इसमें पहला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं साइज रिडक्शन को, हम डिटेल में देखने वाले हैं। इसके पहले हम क्या कर दें, एग्जिट एग्जाम का जो 3 लेक्चर है फार्मास्यूटिक्स का, उसे हम क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। उस तरह से देखा जाए तो आपका ये जो सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स है, ठीक है, ये जो आपका सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिक्स में हमने पूरा पूरा क्या कर दिए, आपको नोट प्रोवाइड करा देंगे। यदि आपको इसका यानी एग्जिट एग्जाम के तरह यानी रूप में इसका आपको क्या चाहिए, थ्योरी प्लस एमसीक्यू चाहिए, क्या चाहिए, थ्योरी और प्लस में आपको एमसीक्यू चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इसकी प्राइस रखी गई टोटल और टोटल कितना रुपये, टोटल और टोटल केवल 50 रुपीज़ इसकी रखी गई, कितना रुपीज़, 50 रुपये में आपको क्या कर दिया जाएगा, इसका यानी सुटिक्स का, फार्मास्यूटिक्स का हर एक चैप्टर से जितना आपका क्या हो जाएगा, DPEE डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम का जितना भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग थ्योरी प्लस आपको क्या कर दे दिए, एमसीक्यू, हर एक चैप्टर से कम 10 से 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें रखा गया है, ठीक है, उसको आपको क्या कर दिया जाएगा, आपके व्हाट्सएप पे यानी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप यहां से हमें ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, नहीं तो केवल आप वीडियो भी देखते हैं तो कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले दे रखा तुम्हारे पास इसमें यूनिट ऑपरेशन में, फर्स्ट हमने यूनिट स्टार्ट किया है साइज, ठीक है, आपका साइज देखा जाए तो क्या होगा, रिडक्शन, नाम से पता साइज रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन मतलब किसी चीज को क्या करना, छोटा करना। अब साइज को जब छोटा किया जाता है तो उसी प्रोसेस को हम साइज रिडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में मान लेते, देखिए आपके क्या होगा, आपके पास ऐसे बड़े बड़े मालिक्यूल हैं, बड़े बड़े मालिक्यूल हैं, इसे क्या करेंगे एट द, ठीक है, किसी भी प्रोसेस के थ्रू आप क्या करेंगे, इसे छोटे फाइन में यानी फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इसे क्या करेंगे, इतने छोटे यानी पाउडर के रूप में क्या कर देंगे, आप कन्वर्ट कर देंगे ऐसे पाउडर के फॉर्म में। ये जो कन्वर्ट करने की ये जो प्रोसेस होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइज रिडक्शन बोलते हैं। जैसे आपके घर में हल्दी होगी या कुछ भी होगा तो उसे क्या कर देते हैं, जैसे तुम आटा ले लो, आटा को पहले जो तुम्हारे पास गेहूं होता है उसे क्या कर दिया, धुला अच्छे से जाता है, उसके बाद क्रशर में मतलब मशीन में डाल के अच्छे से पीस दिया जाता है। सेम टू सेम प्रोसेस में यहां पर होता है, मतलब किसी भी तरह से हमें क्या कर देना, साइज रिडक्शन, साइज को जो भी प्रोसेस है उसे हम क्या कर देना है, एकदम से छोटा करना है। तो इसमें सबसे पहले डिफिनेशन आपके सामने, यहां से देखिए क्या दे रखा, लिख रखा द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल साइज ऑफ ए सब्सटेंस इज रिड्यूस फ्रॉम द स्मॉलर साइज टू द फाइन स्टेट ऑफ द सब डिवीजन, यानी पाउडर के फॉर्म में करना इज नोन एज साइज रिडक्शन। यानी साइज रिडक्शन एक इस तरह का ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी पार्टिकल को रिड्यूज करते जाए करते जाए करते जाए जो पाउडर के फॉर्म में प्राप्त होगा उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइज रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइज रिडक्शन बोलते हैं। तो ये हो गया साइज रिडक्शन के बारे में। अब आते हैं इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, यानी एडवांटेज आप तुम्हारे पास क्या दे रखा है, साइज रिडक्शन, इसका एडवांटेज क्या दे रखा है आपके सामने, इसका एडवांटेज। अब बताइए यदि साइज रिडक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपको रोटी बनाना है, अब जितना अच्छा आटा रहेगा, जितना महीन आटा रहेगा उतना बढ़िया आपकी रोटी बनने वाली है। तो ये रोटी तो बनाई जा रही है, फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ हैं तो इसमें हम टैबलेट बनाएंगे, कैप्सूल बनाएंगे, सस्पेंशन बनाएंगे, सिरप बनाएंगे, क्रीम बनाएंगे, पाउडर बनाएंगे, ये सब बनाएंगे ना। तो ये सब जितने भी बनाए जाते हैं, अब बताओ जितने छोटे पार्टिकल हैं आराम से क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो यही चीज का रखा, मेंटेन द कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, मतलब कोई भी चीज है उसे आपको क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स कर सकते हैं, पहला हो गया। इनहांस द विस्कोसिटी एंड सरफेस एरिया, अब बताओ जितना आपका क्या करेगा छोटा रहेगा उसकी विस्कोसिटी को आप उतना इनहांस कर सकते हैं, और उतना से क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया को क्या करेगा, वो कवर करेगा, क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, सरफेस एरिया को वो कवर करेगा। इसीलिए क्या होता है, साइज को हमारे पास क्या होगा, रिड्यूस यूज किया जाता है। फिर दूसरा क्या रखा, इंप्रूव द एब्जॉर्प्शन, उतना क्या करेगा, हमारी जो पेट के अंदर एब्जॉर्प्शन हो, चले मान लेते मुंह के अंदर एब्जॉर्प्शन हो, क्योंकि च्यूएबल टैबलेट मान लेते हैं, ठीक है, नहीं मान लेते च्यूएबल टैबलेट मतलब यहां से आप जीभ पे ही नीचे रखेंगे और क्या हो जाएगा, यहीं डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, उसे सबलिंगुअल बोला जाता। तो ये जो टैबलेट है तो बताओ जितना छोटा रहेगा उतना जल्दी जल्दी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, तो यानी एब्जॉर्प्शन को भी इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में क्या देखा है, इंप्रूव द ड्रग्स बायो अवेलेबिलिटी, मतलब यानी जो ड्रग्स है, बायो मतलब एनिमल, अवेलेबिलिटी मतलब उसके शरीर के अंदर कितना एब्जॉर्ब हो के ब्लड के अंदर चला गया है और उसे यानी यूज में कितना लाया गया है, वो भी इंप्रूव हो सकता है यदि साइज रिडक्शन आप किए हैं
तो इतना तुम्हारे पास था किसके बारे में, एडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन। इसका मेन मेन पोर्शन समझिए, जैसे कह देगा साइज रिडक्शन से क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, चार ऑप्शन बना देगा, मान लीजिए विस्कोसिटी, ठीक है विस्कोसिटी मार दे और चार पांच ऑप्शन और मार दे, तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, इनहांस हो जाएगी, तो ऐसे क्या कर देंगे, टिक मार देंगे आप, ठीक है। और कौन कौन से, हाँ ये तो एडवांटेज था, कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट है साइज रिडक्शन में प्रयोग किए जाते हैं, तो साइज रिडक्शन में आप पढ़े होंगे हैमर मिल, बाल मिल, और क्या होता है फ्लूड एनर्जी मिल, और तुम्हारे पास डिस इंटीग्रेटेड हो जाएगा, ठीक। मतलब ये जो दो देखा जाए तो लास्ट में आपका केवल नाम पे दिया है, मगर हमारे सिलेबस में देखा जाए तो आपको क्या देखा, हैमर मिल और बाल मिल है। किसी किसी कर्नाटवा अगर आप बोर्ड में देखेंगे, किसी अदर बोर्ड में ये दो मिल का नाम दिया रहता है, इसीलिए हमने इसे कंसिडर किया, नहीं तो कह देगा हमारे चार ऑप्शन दे देगा, इसमें से किसी उठा को और कर देगा, कह देगा इसमें से कौन से तुम्हारे पास साइज रिडक्शन के इक्विपमेंट नहीं है, तो बाल मिल है यानी बाल मिल, हैमर मिल, फ्लूड एनर्जी मिल और डिसइंटीग्रेटेड। अब इसमें से कोई एक ऑप्शन हटा के कोई दूसरा इक्विपमेंट रख दे तो आप जान जाएंगे कि अच्छा ये जितने भी हैं हैमर मिल के, हैमर मिल, बाल मिल, फ्लूड और यानी एनर्जी मिल होती, ये सब सारी चीज़ें क्या होती है साइज रिडक्शन के अंतर्गत आती हैं। तो ये चार हो गई साइज रिडक्शन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर इसी का देख लेते हैं, इसमें क्या बोल दिया है, ध्यान से सुनिए, इसमें बोल दिया है, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो साइज रिडक्शन को क्या कर दे, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आप गेहूं पिसवाने जाएं, अब सही से उसे सुखवाए न, ठीक है, चिपचिपा रहे, भीगा रहे, तो सही से वो क्रश नहीं होगा, तो यही चीज का रखा। ऐसे बहुत सारे हैं, टफनेस, पहले तुम्हारे पास क्या दे रखा, टफनेस, मान लेते कोई एक मटेरियल है उसे हम हैमर मिल में या बाल मिल में क्रश कर रहे हैं, तो बताइए वो टफ रहेगा, बहुत ही स्ट्रांग हार्ड रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो टफ, ठीक, कठोर रहेगा तो जल्दी जल्दी क्रश नहीं हो पाएगा, और क्या होगा, हार्डनेस भी क्या कर देता है ये, ठीक है, उस साइज रिडक्शन को इफेक्ट करता है, जितना हार्ड मटेरियल रहेगा उतना टाइम लेगा वो आपका क्या होगा, साइज रिडक्शन होने में। स्टिकीनेस, मतलब चिपचिपा रहे तब भी दिक्कत हो जाएगी, चिपचिपा रहेगा तो मिल को पकड़ लेगी, जैसे गेहूं है, गेहूं मान लेते अब सूखा न रहे तो उसमें क्या हो जाएगी, यदि रखा जाए तुरंत वो क्या हो जाएगा, उसे पकड़ लेगी, यानी चिपचिपा पदार्थ रहेगा तो वो पकड़ लेगा, ऐसे हो सकता। मॉइस्चर कंटेंट, मतलब उसमें नमी की मात्रा रहे तो हो सकती है, ठीक है। बल्क डेंसिटी, मतलब आप जैसे थोड़ी मात्रा में डालेंगे तो जल्दी से क्या होगा, क्रश होगा, बल्क में डाल देंगे, लो भाई बड़ा बड़ा खूब घूर दिए, वही बना ही कर रहा है, ठीक है। और क्या लिखा है, लिखा सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर भी मेंटेन रखना पड़ेगा, यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमारा जो भी मटेरियल रहेगा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जैसे मान लेते गेहूं है, मान लेते उसे ज्यादा चक्की दाब दिए तो जो तुम्हारे पास है यानी आटा रहेगा वो जठाइन जल जाएगा, तो जठाइन गाँव में क्या बोलते हैं, जठाइन मतलब जले टाइप में क्या होगा, थोड़ा रोटी सही से नहीं बनेगी। तो इतने तुम्हारे फैक्टर है तुम्हारे पास, क्या साइज रिडक्शन यानी साइज रिडक्शन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, टफनेस, हार्डनेस, स्टिकीनेस, मॉइस्चर, बल्क डेंसिटी और सॉफ्टनेस, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहां से तुम्हारे पास लिखा मेथड ऑफ साइज रिडक्शन, कौन कौन से मेथड है, प्लीज इसे आप ध्यान से सुनिएगा, ये और इसमें कौन सा यूज किया जाता है। तो सबसे पहले दे रखा इंपैक्ट, इंपैक्ट में क्या होता है, सबसे पहले एक तुम्हारे पास जैसे हैमर मिल देखे होंगे ना, हैमर मिल यदि देखे होंगे तो आप इसे इंपैक्ट को तुरंत भन्न से समझ जाएंगे। हैमर मिल में क्या होती है, गोल सी चक्की रहती है और उसी में ब्लेड लगा रहता है, हॉपर मतलब डोंगा की मदद से जो भी मटेरियल जाता है, समझ सेम टू सेम चक्की जो होती है हैमर मिल पर वर्क करती है। तो लिखा मटेरियल इज ए केप्ट स्टेशनरी एंड इन एन ऑब्जेक्ट ही मूविंग विद द हाई स्पीड स्टिकी द मटेरियल अदर रिड्यू द साइड पार्टिकल, मतलब क्या रखा है, इसमें जो भी ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है, वो उसके साथ ब्लेड के साथ मूव करता और एक्चुअल में इक्विपमेंट जो रहता है वो क्या कर देता है, स्टेशनरी मतलब स्टॉप अवस्था में रहता, जो भी मटेरियल हाई स्पीड के साथ उसे क्या कर दिया जाता है, क्रश किया जाता है। तो इसमें तुम्हारे पास इम्पैक्ट कहलाता है, इसमें तुम्हारे पास केन एग्जाम्पल हो गया, हैमर मिल एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब कोई पूछेगा हैमर मिल किस प्रिंसिपल पर वर्क करता, तो अब बताएंगे इंपैक्ट पे, एक क्वेश्चन आपका यहां से सिक्योर हो गया एमसीक्यू के तौर पे, ठीक है। ऐसे ऐसे क्या होगा, अब कटिंग में क्या होता है, सिंपल सा कटिंग क्या होता है, जो बड़े पार्टिकल है उसे छोटे पार्टिकल में हम कट करके रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखा है द मटेरियल इज ए कट विथ द हेल्प ऑफ द ब्लेड हैविंग द फाइन शार्पनेस, मतलब क्या होता है, इसमें देखा जाए आप कटर मिल देखे होंगे तो सेम कटर मिल में क्या होती है, ठीक है, कटर मिल में क्या होती है, जो भी मटेरियल रहता है उसे छोटे छोटे पहले टुकड़ों में ब्लेड की मदद से कट कर दिया जाता है। तो इसमें कटर मिल मतलब
कटिंग पे देखा जाए तो कटर मिल इसका एग्जाम्पल है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट पे देख लेते हैं, यहाँ से क्या होगा कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है, इसमें प्रेशर अप्लाई करके क्या कर दिया जाता है, ठीक है, प्रेशर का अप्लाई करके उसे क्रश किया जाता है, ठीक है। जैसे प्रेशर इज अप्लाई ऑन ए मटेरियल, ठीक, ऑन द मटेरियल सो डैट इट्स गेट ऑफ द क्रश इन टू द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इसमें एग्जाम्पल है रोलर मिल, रोलर मिल इसका एग्जाम्पल है। तो रोलर मिल किस पे वर्क करता है, आपका कंप्रेस पे डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं अट्रैक्शन पे। अट्रैक्शन तुम्हारे पास क्या होता है, बाल मिल पे वर्क करता है, ठीक है। बाल मिल जो होता है अट्रैक्शन पे वर्क करता है, तो कहेगा बाल मिल किस प्रिंसिपल पे वर्क करना है, तो अट्रैक्शन आपको क्या कर देना है, अट्रैक्शन मार देना है इस पे, ठीक ठीक। डिफिनेशन मेरे भाई नहीं पूछेगा, इसमें कहेगा इंपैक्ट किस पे, यानी हैमर मिल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कटर मिल हो गया, रोलर मिल क्या होगा, बालर मिल किस प्रिंसिपल के काम करेगा, ये आपसे पूछेगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक थ्योरी हो गई यहां से। अब हम बोल रहे हमारे सिलेबस में दो मिल है, हैमर मिल और बाल मिल, उसका स्ट्रक्चर देख लेते किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट को टच करके आपके क्या करें नजरों से गुजारेंगे, आपके आप पढ़ें आपके माइंड में क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बैठ जाएगा थोड़ा थोड़ा, उसके बाद एमसीक्यू आपका इसे बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है हैमर मिल के बारे में। देखिए हैमर मिल देखा जाए तो एक्चुअल में कैसे होता है, देखिए हैमर मिल का हम स्ट्रक्चर बनाना चाहे पहले मोबाइल को स्टेबल कहीं जगह रख दे जिससे हम हैमर मिल को अच्छे से बना सकें। देखिए हैमर मिल का एक्चुअल में, रुक जाइए हम फोटो क्लिक करके दिखा देते हैं, पहले हम समझ लेते हैं हैमर मिल की थोड़ी सी थ्योरी, तब हम इसके क्या करेंगे, ठीक है, यानी हैमर मिल का आपका डायग्राम देखेंगे, तो डायग्राम से आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए तो हैमर मिल क्या होती है, देखिए हैमर मिल सिंपल सा, हैमर मतलब हथौड़ा होता, उसमें मतलब चक्की में हथौड़े जैसी संरचना होती जो क्या कहते हैं किसी मटेरियल को पीट पीट के सोज कर देती है। जैसे हम सब लोग बचपन में रहते थे तुम्हारी मम्मी बांध के मारती थी, ठीक है, ओका बरियार एकदम से पीटती थी, तो वही चीज का रखा हैमर मिल। एक्चुअल में होता क्या, हैमर इज अ टाइप ऑफ द क्रशर यूज्ड टू ऑफ द ग्राइंड एंड तुम्हारे पास क्या होगा पल्वनाइजेशन वेरियस मटेरियल, मतलब कुछ भी इसमें वेरियस मटेरियल डाय, मगर तुम्हारे पास क्या होना चाहिए स्टिकी वगैरह नहीं होना चाहिए। ये क्या करेगा, उसे क्रश करेगा, ग्राइंड करेगा, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट कर देगा आराम से, ठीक है। ये मेन मुद्दा हमारे पास क्या होगा, इतने पे दे रखा प्रिंसिपल किस पे वर्क करता है, तो ये लिखा है प्रिंसिपल इट वर्क, ठीक है, इट वर्क ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ ए इंपैक्ट, इंपैक्ट पे मेरे भाई ये वर्क करता है। अब यहां से कंस्ट्रक्शन, एक हैमर मिल में क्या क्या हो सकती, सबसे पहले हॉपर होता है, हैमर होता है, स्क्रीनिंग होती, रिसीवर होता, इतने चीज होती। इसके पहले हम क्या कर देते हैं, रुकिए हम आपको क्या कर देते हैं, हैमर मिल ही आपको क्या कर देते हैं दिखा देते हैं, ठीक है। ये आपके सामने हैमर मिल का एक प्यारा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखिए पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, पूरा डिटेल में जाना रहेगा तो आपको वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, हैमर मिल को अलग से, बाल मिल अलग से, साइड रिएक्शन को अलग से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तुम्हारे पास दे रखा, देखिए ये आपका प्यारा सा स्ट्रक्चर है, ये वाला जो पोर्शन ऐसे ऐसे दिखाया गया, ये एक्चुअल में तुम्हारे पास क्या होती है जॉकेट होती है, ठीक है, जो नाम से हार्ड लोहे की बनी होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो ब्लेड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हैमर बोलते हैं। और यहां पर बीच में क्या होता है, ऐसे देखो धुर्रा लगा होता है, ऐसे गांव में नहीं कहते धुर्रा, वही पर नाचता है वो, उसे हम क्या बोलते हैं एक्चुअल में सॉफ्ट बोला जाता है। इसमें क्या कर दिया, जो भी हमारे पास मटेरियल आता है इस डोंगा में हम क्या कर देते हैं डालते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा डोंगा में डालते हैं, डोंगे की मदद से क्या हो जाएगा, डोंगे को क्या बोला जाता है हॉपर बोला जाता है, हॉपर की मदद से जो भी मटेरियल क्या होता है इसके अंदर आता है, यहाँ पर जो भी मटेरियल इसके अंदर आएगा और ये ब्लड के द्वारा के जो ब्लेड है सॉफ्ट है ये क्या करेगा उसे रोटेट कराएगा, और हैमर क्या करेगा जो भी मटेरियल रहेगा उस पर क्या करेगा पीटी यानी क्लिक करेगा। ये देखा जाए तो क्या होगा, हमारे पास क्लॉक वाइज घड़ी की दिशा में चलती है, जो भी मटेरियल इसके संपर्क में आएगा उसे पीटेगी, लो भैया लो भैया लो भैया, मारा थोड़ी देहियाँ तोड़ देगा, मतलब थोड़ी से उतर से टूट देगा, और जस्ट नीचे तुम्हारे पास सीव मतलब चलनी नीचे लगी हुई है, ठीक। और ये क्या कर देती आगे पीछे ऐसे ऐसे चलती है, धान कुट्टी वाली मशीन देखे होंगे नीचे जो लगा होगा तो उसी तरह से यहां से चलती है, जो भी मटेरियल फाइन होता है इसी क्या कर देते हैं सीव से, अब सीव को स्क्रीनिंग बोला जाता है, ठीक है, यानी चलनी की मदद से क्या कर देते हैं यहां पर गिर जाता, और यहां पर रखा गया तुम्हारे पास दौरी तसला कुछ भी बोरी बोरा कुछ भी रखिए, मगर ये नहीं रखा जाता उसे रिसीवर बोला जाता, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनियां वगैरह यूज करती है ना, तो जो यहां पर आराम से गिर जाता, और याद रखना जो मटेरियल क्रश नहीं हुआ वो तो दोबारा इसमें जाएगा और उसे क्या दोबारा हथौड़ी के द्वारा पीटा जाएगा, तब तक पीटा जाएगा जब तक इस सीव के द्वारा क्या कर जाएगी फाइन पाउडर आराम से वापस नहीं चला आएगा, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में, वही चीज दे रखा तुम्हारे पास क्या होगा, इतनी चीजें होती हैं,
ठीक है। एक पॉइंट और ये लिख देना, हैमर मिल तुम्हारे पास क्या होती है, हैमर मिल नॉट रिड्यूस फाइबरस मटेरियल। माई फाइबरस मटेरियल मतलब जैसे कोई चिपचिपा पदार्थ रहेगा, हैमर मिल उसे क्रश नहीं करने वाली है। तो ये तुम्हारे पास पॉइंट होगा, इसे प्लीज जो इस पे भी आपका एमसीक्यू पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये हैमर मिल के बारे में था। अब हम आते हैं किस पे, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, जो तुम्हारे पास क्या दे रखा, बाल मिल। नाम से पता बाल मिल किस पे वर्क करता है, इंपैक्ट तथा अट्रैक्शन दोनों पे वर्क करता है। किस पे, इंपैक्ट तथा अट्रैक्शन दोनों पे वर्क करता है। तो यहां पर पहले प्रिंसिपल, अब हम फॉर्म उठो नहीं समझते, बाल मिल तुम्हारे पास साइज को रिड्यूस करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो हैमर मिल सॉरी बाल मिल किस पे प्रिंसिपल पे वर्क करती, इंपैक्ट तथा अट्रैक्शन। दोबारा बोलिए, जो हमारे पास बाल मिल होती इंपैक्ट तथा अट्रैक्शन पे वर्क करती है। और इसमें कंस्ट्रक्शन देखा जाए, मतलब ये जो बाल मिल किसकी बनी होती है एक्चुअल में, तुम्हारे पास क्या होगा, इसमें सबसे पहले स्टील वाल की एक सिलेंडर नुमा संरचना होती है, ठीक है। जैसे वो मटेरियल होता है छत लगाने वाली मशीन, सेम टू सेम अभी देखेंगे आप। और इसमें मटेरियल होता है, ये मटेरियल मतलब कोई फूड आइटम, कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, कुछ भी रख सकते हैं। और कहां रखेंगे, डॉपर मतलब हॉपर में, यानी दो डोंगा में हम रखेंगे, उसी के मदद से ये आएगा। इसको हम क्या कर देते हैं, आपको दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये आपका सेम टू सेम क्या हो गया, ये वाला हमें है दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आपके सामने देख रखा है, तो ये आपका प्यारा सा क्या हो गया, बाल मिल। देखिए ये आपका क्या हो गया, ये जो स्टील का बना हुआ पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पर अब इसी में ऊपर डोंगा लगा दिया जाता है। यहाँ डोंगा देखिए लगा हुआ, डोंगे से मदद से कोई भी मटेरियल क्या हो जाएगी, इसके अंदर डाला जाएगा। जब इसके अंदर डाला जाएगा ना, तो ये क्या करेगी, ये वाला पोर्शन ऐसे रोटेट करती है, जैसे उसमें देखेंगे ये रोटेट करती है। जब रोटेट करेगी तो ये क्या करेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे क्या करेगी, ये घूमेगी, ठीक है। जब ये ऐसे ऐसे घूमेगी तो जो मटेरियल रहेगा एक दूसरे से क्या कर देंगे, ठीक, एक दूसरे से क्या करेंगे, टक्कर मार के छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये जिस पे प्रिंसिपल पे वर्क करता, उसे ध्यान से सुनिए कि तेज घुमाएंगे कि बहुत स्लो घुमाएंगे तो क्या होगा। उसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इन्होंने देखिए क्या कर दिया है, यहाँ से अब देखिए ध्यान से, मतलब क्या कर देते हैं, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, एक सिलेंडर, मतलब ऐसे भी सिलेंडर बना सकते हैं, सर्कुलर शेप में बना सकते हैं, बाल शेप में, बाल शेप में होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, बाल मिल बोला जाता है। इसमें सबसे पहले क्या कर देंगे, देखिए एक इन्होंने कंटेनर लिया इस शेप का और उसे क्या कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो इसमें यदि मान लेते लो स्पीड से घुमाएंगे तो जो भी मटेरियल रहेगा इसी में साथ क्या करेगा, ऐसे यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, मतलब इसी में ऐसे चिपका रहेगा, ऐसे ऐसे केवल रोटेट करेगा, मतलब वो अपने आप दूसरे को तोड़ ही नहीं रहे हैं। तो यानी आप क्या कर सकते हैं, लो स्पीड में भी आप नहीं चला सकते, ये कैंसिल हो गया। दूसरा क्या होगा, यदि हाई स्पीड में चलाएंगे तो जो भी मटेरियल रहेगा उसी के साथ वो तेजी से क्या करेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, टूटबा नहीं करेगा, मतलब ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मिशन हमारे पास क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ये भी फेल हो जाएगा। यदि आप मीडियम स्पीड में चलाएंगे, ठीक है, इस मीडियम स्पीड में चलाएंगे मतलब ना तो ज़्यादा ना तो तेज, तो जो भी मटेरियल लगेगा यहाँ पर जाएगा फिर यहाँ धड़ाक से गिरेगा, यहाँ पर जाएगा फिर धड़ाक से गिरेगा। तो बताओ ऐसे गिरते 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 जो भी पोर्शन रहेगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यानी जो तुम्हारे पास मॉडरेट, जो तुम्हारे पास मॉडरेट स्पीड होता है, ठीक, वो ज़्यादा सुटेबल होता है एज कम्पेयर टू हाई स्पीड एंड लो स्पीड से। तो इसीलिए बोला जाता है जिंदगी में धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे चलिए, मतलब न तो ज़्यादा तेज न तो ज़्यादा कम। ज़्यादा तेज चलेंगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, तभी आप दिक्कत में पड़ जाएंगे, ठीक है। देखिए अब बहुत स्लो चलेंगे तो दुनिया आपको कचल के भाग जाएगी, ठीक है। तो सबके साथ लेके चलिए, न तो ज़्यादा आगे जाइए आप, न तो ज़्यादा पीछे, ऐसा भी नहीं बहुत पीछे चले जाइए, ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा चला आगे चले जाइए, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें होगी, तो सेम टू सेम हमारा बाल मिल इसी पे वर्क करता है, ठीक है। क्या कर देते हैं, अब हम क्या पढ़ते हैं बाल मिल के बारे में, जो यहाँ से दिया था, यहाँ से देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन हो गया। अब बाल मिल वर्क प्रोड्यूज एनर्जी, मतलब बाल मिल क्या होता है, एनर्जी, ठीक, क्या बोल दिए जी, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या होता है, नॉइज प्रोड्यूस करता है, याद रखना, तुम्हारे पास बाल मिल जो होती है तुम्हारे पास क्या प्रोड्यूस करती है, नॉइज प्रोड्यूस करती है, मतलब बहुत ज़्यादा ये आवाज़ करती है, ठीक है। और करेक्ट स्पीड देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या मानी जाती है, मॉडरेट स्पीड मानी जाती है, जो सूटेबल होती किसी भी साइज रिडक्शन करने में। तो लो स्पीड में क्या हो जाती है, स्लाइडिंग हो जाती है, ठीक है। और तुम्हारे पास मॉडरेट स्पीड में, मतलब जो मीडियम स्पीड होती है उसमें मैक्सिमम साइज का क्या हो जाता है, मैक्सिमम साइज का रिडक्शन हो जाता है। और हाई स्पीड में देखा जाए तो सेंट्रीफ्यूगल मोशन होता, उसमें कुछ हो नहीं करता। तो इसीलिए क्या होता है, यही पूछेगा कि मतलब लो स्पीड में क्या हो जाएगा, एक दूसरे से स्लाइड करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो जब सबसे सुटेबल तुम्हारे पास क्या होगा, मॉडरेट स्पीड होता है। तो ये था साइज रिडक्शन के बारे में। तो हमने थ्योरी को क्या कर लिया, कवरअप कर लिया। अब इससे रिलेटेड जितना भी आपका एमसीक्यू बनता है उसे देखेंगे, तभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए हमने क्या कर दिया, थ्योरी को आपको माइंड में ऐसे चला के बैठा दिया कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अब डिटेल में जाएंगे तो हमारा डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे का
वीडियो बनेगा, मगर हम नहीं चाहते हैं आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपके माइंड में डाल देते हैं। अब इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता हम उससे क्वेश्चन एमसीक्यू के जरिए देख लेते हैं, ठीक है। एमसीक्यू केवल कराए तब भी दिक्कत है, जैसे मान लेते हैं 10 MCQ कराए, 5 गलत होगा 5 सही, तो जब डीमोटिवेट होंगे तो जिंदगी में डीमोटिवेट होना नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, हम केवल थ्योरी को टच करके जा रहे हैं, टच करके जाएंगे। अब डिटेल में देखेंगे तो आप बहुत देखेंगे, लेक्चर आपके क्लास उसमें हैमर मिल क्या होगा, एक दो दो दिन पढ़ाया जाता, बाल मिल एक घंटा पढ़ाया जाता होगा, ठीक है। तो वही चीजें हो गए, ठीक है। तो अब इसके हम क्या कर देते हैं, मेन मुद्दे पर चलते हैं, क्या एमसीक्यू पे चलते हैं, जिससे हमारा एग्जिट एग्जाम का क्लियर होगा उसी से, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू, ठीक। तो आपके सामने ये आपका रहा क्या पोर्शन, यानी फार्मास्यूटिकल, ठीक है, यानी फार्मास्यूटिक्स में साइज रिडक्शन का क्या होगा। ऐसे हमने क्या कर दिया, एमसीक्यू को ऐसे ही क्या कर दिया, पीडीएफ के फॉर्म में आपको देंगे, और जो आपका थ्योरी रहेगा वो हम पेन से लिखेंगे, क्योंकि दो तीन बुक के रेफरेंस से हम क्या कर देते हैं, ढूंढ ढूंढ के लिखना पड़ता है, ठीक है। तो एमसीक्यू क्या कर देते हैं आपके सामने, यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं, प्लीज़ आपको जो भी आ रहा है उसे आप प्लीज़ ध्यान से पूर्वक करिएगा, ठीक है। जो नहीं आ रहा आपके सामने हम क्या करेंगे, उसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लिखा पहला क्वेश्चन लिखा है, द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल साइज ऑफ ए सबसेट इज रिड्यूस फ्रॉम स्मॉलर साइज, मतलब कोई एक पार्टिकल साइज है उसे स्मॉलर साइज या फाइन, ठीक है, फाइनल स्टेट में क्या कर देना, सब डिवीजन करना, क्या कहलाता है, आप इसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्या कहलाता है, कटिंग कहलाता है या कोटिंग कहलाता है या मिलिंग कहलाता है, हम क्या कहलाते हैं उसे, साइज रिडक्शन क्या कहलाते हैं, क्या बोलते हैं, साइज रिडक्शन। तो एज टी डिफिनेशन को क्या करिए, इन्होंने एमसीक्यू बना दिया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हो गया पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे क्या बोल दिया है, ये भाई मोबाइल में की हो रही है, ठीक है। यहाँ से अब देखिए क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, मोबाइल भी हैंग करता है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, मगर इस जनरी को आगे रखा जाएगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन पे, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं, क्या लिख रखा है, डैश दे रखा है, डैश दे रखा है, इज द प्रोसेस विच द पार्टिकल साइज ऑफ ए सोलिड सब्सटेंस इज रिड्यूज इन टू द कोरस आर यानी पाउडर स्टेट, मतलब क्या कह दिया है इसमें, जो पूछा हुआ है कह रखा है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल साइज को सोलिड सब्सटेंस होता है उसे रिड्यूज करके कोरस यानी पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें क्या बोलेंगे, पहला ऑप्शन तुम्हारे पास क्या दे रखा, पहला ऑप्शन दे रखा तुम्हारे पास साइज रिडक्शन, मिलिंग दे रखा, कोटिंग दे रखा, कटिंग दे रखा, वही सोलिड सब्सटेंस को रिड्यूज करके पाउडर के फॉर्म में लाना क्या कहलाता है, यदि देखा जाए तो हमारे पास साइज रिडक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है, साइज रिडक्शन कहलाता है। तो यहां से हमने क्या करिए, इसका टिक मार दिया यहां से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहां से ध्यान से सुनिए, क्या रखा, बाय रिड्यूसिंग साइज ऑफ, यानी साइज ऑफ पार्टिकल, बाय रिड्यूसिंग साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है, सरफेस एरिया गेट ड्रग्स, मतलब अब बताइए यदि किसी भी पार्ट यानी पार्टिकल का साइज को रिड्यूज कर दिया जाए तो सरफेस एरिया क्या होगी, यानी ज़्यादा होगी यानी इंक्रीज होगी, कि यानी पहले दे रखा ऑप्शन में लोअर होगी, या तुम्हारे पास दे रखा है तुम्हारे पास लोअर होगी या डिक्रीज होगी या यानी इंक्रीज होगी या तुम्हारे पास कॉन्स्टेंट रहने वाली है। तो यानी देखा जाए तो आपका किसी भी मटेरियल का यदि साइज पार्टिकल जितना छोटा करोगे सरफेस एरिया उतना इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी तीसरे का क्या हो जाएगा, वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है। ये भाई स्क्रीन वगैरह नहीं काम कर रही है, ठीक है। तो यानी आपका क्या हो जाएगा, इसे इरेज करके यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं, देखिए क्या लिख रखा है, फोर्थ नंबर पे क्या दे रखते हैं, यहाँ से फोर्थ नंबर का एमसीक्यू आप देखिए कह दिया है, वही तो सेम टू सेम कॉपी बोल गया भाई, इसे आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आप ये तो मिस्टेक होगी पीडीएफ के अंदर, ठीक है, क्या पूछा है, ठीक है, क्या नहीं कॉपी नहीं भाई, बाय रिड्यूसिंग पार्टिकल ऑफ साइज इन सर्टेन ड्रग्स एंड थेरापेटिक इफेक्टिव इनफिकेसी, ठीक है, इफेक्सी गेट्स, मतलब क्या बोल दिया है, मान लेते कोई एक तुम्हारे पास औषधि है उसे कण को क्या कर दिया, कण को साइज को छोट कर दिया जाए तो चिकित्सा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, डिक्रीज होगी, यानी कह रखा डिक्रीज होगी या तुम्हारे पास इंक्रीज होगी, ठीक है, यानी डिक्रीज होगी, पहले दे रखा डिक्रीज होगी या तुम्हारे पास बोल दिया है, देखिए भाई क्या बोल दिया, यानी डिक्रीज होगी या हायर होगी
या लोअर होगी या रिमेनिंग कॉन्स्टेंट रहेंगी या कटिंग मटेरियल, मतलब ये वाला पोर्शन देखा जाए तो कटिंग मटेरियल उसका पोर्शन है, पीडीएफ सही से नहीं बने भाई, ठीक है। तो यानी चौथे का देखा जाए तो क्या हो जाएगा, बी, मतलब जितना तुम्हारे पास किसी भी पर्टिकल साइज को रिड्यूज किया जाए उसकी इफिकेसी उतना ज़्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो यानी हायर दे रखा है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया है, हैमर मिल इज यूज इन मेथड, मतलब हैमर मिल किस मेथड पर यूज की जाती है इसके बारे में बताना है, ठीक है। अभी क्या बोले भैया आप कमेंट बॉक्स में इसे लिख के दिखाइए, जल्दी बोलिए, ठीक है आपको, ठीक है। टाइम टमे मिसान समय कितना मिनट मिलता है, एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट, चार मिनट, आप लिख दिए होंगे आशा करते हैं। हैमर मिल यूज किया जाता है किस पे, इसको आपको बता देना है, ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी बोलिए, ठीक है, किस पे, इम्पैक्ट पे वर्क करता है, कितने लोग मेरे भाई बोल दिए होंगे, तो इम्पैक्ट इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से लाते हैं, छठवें नंबर पर क्या दे रखा है, यहाँ से छठवें नंबर क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिल यूज टू द अट्रैक्शन मेथड, इसमें से कौन सी मिल ऐसी है जो अट्रैक्शन मेथड पे वर्क करती है, किस पे, अट्रैक्शन मेथड पे वर्क करती है। अभी क्या बोले हैं आप, थ्योरी पे बढ़िए, अट्रैक्शन में हम क्या बोले हैं, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, बोल दिए भाई, कुछ बोलो भाई, बोलो भाई, बोला मर्दे, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास किस पे, यहाँ पर बाल मिल दिया, बाल मिल नहीं दिया, ठीक है, बाल मिल नहीं दिया तो अट्रैक्शन पे एक मिल और वर्क करती है, उससे आपको क्या करेंगे बताइए जल्दी, ठीक है, बता दिए होंगे बहुत सारे मेरे भाइयों। ऑप्शन में दे रखा है फ्लूड एनर्जी मिल, कटर मिल, या तुम्हारे पास हैमर मिल, या आपके रोलर मिल, किस पे वर्क करेगी, यदि देखा जाए तो फ्लूड एनर्जी जो मिल होती है इसी पे वर्क करती है, तो यानी ऑप्शन ए वाला इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। सेवंथ नंबर क्या दे रखा है, यहाँ से दे रखा है, ठीक है, डैश 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 इज ए टाइप ऑफ द क्रशर यूज फॉर द ग्राइंडिंग इन द पल्वनाइजिंग वेरियस मटेरियल, मतलब किसी भी यानी मटेरियल को क्रश करना है, ठीक है, क्रशिंग ग्राइंडिंग की मदद से, ग्राइंडिंग मदद से, तो उसे क्या बोला जाता है उसको बारे में यहां से बता देना है, ठीक है, उसके बारे में यहां से बोलिए कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, यहां से कौन सा ऑप्शन सही है। अभी क्या बोले थे, क्रश इन ग्राइंडिंग देखा जाए तो कौन सी मिल करती है, आपकी हैमर मिल करती, कहीं दिया हुआ था हैमर मिल इज द करेक्ट ऑप्शन यहां से हो जाएगा, तो सातवें पे आपका क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है। यहां से आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आठवें नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसे ध्यान से सुनिए, कह रखा प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल, इसमें ठीक है पचपन चाहिए, चार ऑप्शन सही है, हम कहीं पांच ऑप्शन बना दिए भाई यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कह रखा है, यहाँ से एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ से डैश डैश होना चाहिए, यहाँ पर कोई एक डैश डैश होना चाहिए, डैश दे रखा है, ठीक है। इज द प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल, हैमर मिल किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, रोलिंग, पहले दे रखा ऑप्शन रोलिंग, दूसरा क्या दे रखा ग्राइंडिंग, तीसरा इम्पैक्ट, और चौथा तुम्हारे पास अट्रैक्शन दे रखा, तो ये प्लीज आप यहाँ से हैमर मिल किस यानी किस पे वर्क करता है इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। एक एमसीक्यू आपको क्या होगा क्वेश्चन में यहां से मिल गया आपके, ठीक है, क्वेश्चन पे, ठीक है, यानी अब कमेंट में से बॉक्स में आप लिख के दिखाने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। नाइन नंबर क्या दे रखा है, नाइन नंबर स्क्रॉल करके जाएंगे यहां से, नाइन नंबर अब आपका खत्म होने वाला है, ठीक है। नाइन नंबर क्या दे रखा है, इसे ध्यान से सुनिए, कह रखा डैश इज आल्सो नोन एज ए जेट मिल या माइक्रोनाइजर या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ग्राइंड बोला जाता है, ठीक है, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ग्राइंड बोला जाता है, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है इसमें आपको बता देना। पहला दे रखा फ्लूड एनर्जी मिल या डिसइंटीग्रेटेड या हैमर मिल या तुम्हारे पास क्या हो गया बाल मिल, तो इसका देखा जाए तो तुम्हारे पास इसे क्या बोला जाता है, फ्लूड एनर्जी मिल को हम क्या बोलते हैं, जेट मिल बोला जाता है, माइक्रोनाइजर बोला जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ग्राइंड बोला जाता है, तो यानी फ्लूड मिल यानी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पे तुम्हारे पास क्या दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, फ्लूड एनर्जी मिल वर्क इन द प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन एंड अट्रैक्शन, और किस पे वर्क करता है ये देखा जाए, इंपैक्ट, यानी जो तुम्हारे पास अट्रैक्शन और इंपैक्ट दोनों पे ये वर्क करता है, तो यहां पर हमें क्या फिलअप करना है, इंपैक्ट, कहीं दिया हुआ था, डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, यानी इसका तुम्हारे पास हो जाएगा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल 11 एमसीक्यू था, इसमें क्या रखा, हेलो सिलेंडर इज ए पार्ट ऑफ, जो हेलो सिलेंडर होता है किसका पार्ट होता है इसके बारे में आपको बता देना है, ठीक है। हेलो सिलेंडर अभी क्या बोले हैं, हेलो सिलेंडर ऐसे तुम्हारे पास होते हैं उसमें बाल यानी स्टील के ऐसे बाल होते हैं या फीडर होता है, यहां पर क्या हो जाती है हमारे पास डोंगा लगा होता, तो ये किसमें देखे थे अभी, किसमें देखे थे बाबू, हमारे पास बाल मिल में देखे थे, तो बाल मिल ऑप्शन में कहीं दिया है, यानी डिसइंटीग्रेटेड हैमर मिल और क्या होगा बाल मिल, और तुम्हारे पास फ्लूट, बाल मिल इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने साइज रिडक्शन को क्या कर दिया, एकदम डिटेल में कवर किया,
थ्योरी प्लस एमसीक्यू के जरिए। इसमें कुछ है एमसीक्यू थोड़ा सा क्या होती है, एक में एमसीक्यू में तुम्हारे पास है ठीक है, वो थोड़ा सा प्रिंटिंग गलत थी ठीक है, उसे यहाँ पर त्रुटिया को जरिए हमने क्या करेंगे इसे सही किया जाएगा ठीक है। यहाँ पर कुछ में था, ये कहाँ चला गया क्वेश्चन ठीक है, चलिए जाने दीजिए ठीक है। तो इतना था हमारे पास साइज रिडक्शन, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।